दुनिया में सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है मेल और फीमेल का कि हम वेट लॉस कर रहे हैं, ऐसा क्या करें कि हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी ना आए। ठीक है, बहुत से लड़के और लड़कियां यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो खाना पीना छोड़ देते हैं वेट लॉस के लिए और फैट लॉस के लिए। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आपके उन फ्रेंड्स और उन फ्रेंड्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और उन्हें पता चले कि वो ऐसा क्यों करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब आप वेट लॉस करते हैं या फैट लॉस करते हैं, आप खाना पीना छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती ही यही है कि आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। आपका वेट तो लॉस हो जाता है, फैट भी लॉस नहीं होता है, जस्ट वो पीछे चला जाता है क्योंकि आपके मसल को वो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर नहीं होते हैं डेली बेसिस पे, जो जिनकी उनको सख्त ज़रूरत है। ठीक है, वो जब रिक्वायर ना हो तो वो मसल सिकुड़ जाता है और आपकी बॉडी थोड़ी सी वीकनेस में शो होती है, देन आप उसको यही समझते हैं कि हमारा वेट लॉस हो गया है और फैट लॉस हो गया है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से आपको 1 से 2 महीने के बाद डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ता है। वो ये है कि आपकी जॉइंट्स में पेन होता है, ठीक है, आपकी स्किन के ऊपर एक्नेज आ जाते हैं, ठीक है, आपके हेयर गिरना शुरू हो जाते हैं और आपको लेजीपन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो।